बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन घर में ही रेडी करते हैं और आप भी बनाएं। बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये ईद के लिए मैंने स्पेशल बनाए हैं, आप लोग भी खाएं। ये तो मैंने रेसिपी के लिए बनाए थे तो मैं और ज़्यादा बना के रखूँगी अभी फ्रिज में। जी रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास एक कप मिल्क का है, ड्राई मिल्क है, सेल्फ़ राइजिंग फ्लावर है मेरे पास। अगर आपके पास सेल्फ़ राइजिंग फ्लावर नहीं है तो आप मैदे में थोड़ा बेकिंग सोडा डाल के उसे 3 दफ़ा छान लें और आपका ये बिल्कुल पाउडर वैसा ही रेडी हो जाएगा। मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे, उसमें से थोड़ा निकाल दिया है। और एक कप मेरे पास ड्राई मिल्क का है, फ्रेश क्रीम है मेरे पास। और आप एकदम से सारी क्रीम ना डालें, हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके इसकी डो बना लें। हमारी डो बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। और जितनी देर को मैं अपनी डो रेडी कर लेती हूँ गुलाब जामुन के लिए, मैंने शीरा रखा हुआ है। मैंने 180 ग्राम चीनी ली थी, उसके अंदर मैंने 120 ग्राम मैंने पानी डाला है अपने हिसाब से। आपको भी जितना मतलब कि शीरा रखना उस हिसाब से चीनी और पानी आप डालें। इलायची पाउडर डाला मैंने उसके अंदर, वो हमारा शीरा रेडी हो रहा है। और डो हम अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं। बस ये इसी तरह देखते रहें, ये पूरा बताने से पता चलता है। डो हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। और इसके बाद आपने छोटे गुलाब जामुन बनाने या बड़े ना, तो उस हिसाब से आप बना लें। मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, मैंने इसलिए बड़े बनाए, मेरे पास खोया पड़ा हुआ था फ्रिज में तो मैंने कहा सा मैंने खोए वाले बनाने थे, तो खोए के अंदर मेरे से ज़रा पानी डल गया है, वो गर्म पानी के अंदर रखा हुआ था तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं तैयार कर सकी। अभी आप देखें, मैंने इसके गोल गोल छोटे बॉल बना लेने हैं, जो साइज़ आपने रखना रख लें। ये जो थोड़ा बड़ा साइज़ है, इससे छोटे आप रखेंगे तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं। वो थोड़े चाशनी में हम जब डालते हैं, डिप करते हैं, तो उससे बड़े हो जाते हैं। ऑयल मैंने फुल गरम करके चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अभी मैंने अपने गुलाब जामुन डाल के हीट को थोड़ा तेज़ किया है और इसे मैंने स्लो हीट पे पकाने हैं, क्योंकि बाद में शीरे में मैंने ज़्यादा देर इन्हें नहीं पकाना, 7-8 मिनट ना। मैं सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैंने चूल्हा बंद कर देना है। और 5 मिनट के बाद मैंने गुलाब जामुन निकाल लेने हैं, क्योंकि इस तरह बिल्कुल बाजार जैसे गुलाब जामुन बन जाएंगे अगर आपने ज़्यादा देर डिप करके रखेंगे, या 7-8। वो बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और इसका कलर जैसा भी आपने रखना आप रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद है, मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है, तो मैंने इसी अपने हिसाब से ये कलर मैंने रखा है। मैंने गुलाब जामुन ऑयल के अंदर से निकाल के चाशनी के अंदर डाल दिए थे, 2 मिनट के बाद मैंने ये बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और बस अभी आपको प्लेट अपनी रेडी करके दिखाती हूँ। और 4 गुलाब जामुन के अंदर मैंने वो खोया भी लगाया है, किस तरह लगाते हैं वो भी आप देख लें। और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बने थे हमारे। बस इसी तरह इसे छुरी से कट लगा के अंदर खोया लगा ले, ऊपर मैंने कोकोनट डाला है, और जो भी आपको पसंद हो, पिस्ता बादाम जो भी आपने डालना है आप डालें। और ईद के लिए ऐसी प्लेटें 3-4 रेडी करें, मेहमान आएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।